हेलो गाइस, आज फ्राइडे है और टेम्परेचर है -23। तो मैं अभी अपनी क्लास लेकर निकला हूँ और आज जुम्मा है, जुम्मे की नमाज भी पढ़ने जानी है। और सुबह तक तो कुछ नहीं था, बस बारिश पड़ रही थी और अभी आकर इतनी स्नोफॉल हो रही है। दिखाता हूँ आपको अभी स्नोफॉल का सारा व्यू। तो अभी मुझे जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर वहाँ से जाऊँगा मैं अपने दोस्त के घर पर, फिर अपने दोस्त के घर से 6 बजे जाऊँगा मैं एयरपोर्ट, क्योंकि मेरा दोस्त आ रहा है आज। तो अभी चलते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको सारा कुछ। ये देखो, सारे पेड़ पे बर्फ ही बर्फ है, बहुत ठंड है अभी। तो मैं अभी बस स्टॉप पर आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ से मस्जिद करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। जाने के तो मैं पैदल भी चला जाता, लेकिन अभी बर्फ बहुत पड़ रही है तो अभी जा नहीं सकता, इसलिए बस स्टॉप पर आया हूँ। बस से जाऊँगा, लेकिन फिर भी बस से उतर कर मुझे थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, और पैदल जाऊँगा तो भाई इतनी बर्फ़ है कि सारे जूते गीले हो जाएंगे। बहुत बर्फ़ पड़ रही है, चलते हैं फिर दिखाता हूँ आपको सारा कुछ चीज़। अभी ये बस आ चुकी है 79, इसी बस में जाऊंगा मैं। यहाँ से करीब 300-350 मीटर दूर मस्जिद होगी, और ये साइड में मेरी मार्केट रही। ये यहाँ का स्ट्रीट फूड रहा, ये वाला स्ट्रीट फूड इतना खास नहीं होता यहाँ का, बस सामसा मिलता है, पिज़्ज़ा मिलता है, सामसा लाइक दैट, समोसा फ्राइड होता है, लेकिन सामसा बेक करके देते हैं यहाँ पे, और इतने मसाले भी नहीं होते उसमें। अभी मैं मस्जिद आ चुका हूँ और ये देखो कितनी बर्फ है। आज पता नहीं कैसे लोग नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये बर्फ नहीं होती तो लोग यहाँ तक सब में नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पे पूरी भर जाती है। और हाँ, अलमाटी की सबसे बड़ी मस्जिद है, इसका नाम है सेंट्रल मॉस्कियो। अभी मैं जा रहा हूँ मस्जिद के अंदर, क्योंकि भाई बाहर तो नमाज पढ़ी नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत बर्फ है। लोग बर्फ साफ तो कर रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत हो जाएगी, तो इसी वजह से भीड़ की वजह से मैं 1 घंटा पहले आ गया था, कि अगर थोड़ा लेट आता तो बहुत भीड़ होती और अंदर जगह भी नहीं मिलती। अगर एक बार मैं अंदर चला गया तो करीब मुझे निकलने में अंदर से आधा घंटा या 45 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो बहुत भीड़ है। तो अभी मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखाता हूँ, लोग बर्फ भी साफ कर रहे हैं। Oh, 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 oh
आज इतनी भीड़ थी कि कुछ लोगों ने तो खड़े होकर नमाज पढ़ी है। अभी दिखाता हूँ आपको कितनी भीड़ है। पढ़कर तो मैंने अभी साफ कुछ दिखा दिया है आपको। तो ये अलमाटी की सबसे बड़ी मस्जिद है जो कि 1999 में बनी थी और इसमें 3000 लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लड़के या नमाज़ पढ़ने आए, अलमाटी में लड़कियाँ भी नमाज़ पढ़ने आती हैं लेकिन उनका अलग से सेक्शन होता है नमाज़ पढ़ने का। तो अभी मेरा दोस्त है तो मुझसे बोला भाई ज़ेलानी चलने को सामान लेने के लिए, तो अभी ज़ेलानी जा रहे हैं। अभी हम ज़ेलानी आ चुके हैं और बहुत बर्फ़ पड़ रही है, देखो सिर पे पूरे। मैं अपना टोपर इसलिए नहीं पहन रहा भाई, गीला हो गया पूरा और सुबह से ही बर्फ़ पड़ रही है। 7 बजे निकला था क्लास लेने के लिए, तब तो कुछ नहीं था, 9 बजे से स्टार्ट हुई है। तो अभी हम आ गए ज़ेलानी में से, जाहिद भाई को चिकन लेना था वहाँ से, तो अभी हम पिज़्ज़ा ले आए क्योंकि बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो अभी ज़ेलानी से आ गए हैं हम और मैंने आपसे बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में कि नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपने दोस्त के घर पर जाऊँगा। तो जाहिद भाई मेरे दोस्त हैं, इसके घर पर मैं आया हूँ और एयरपोर्ट जाना कैंसिल है क्योंकि जो मेरा दोस्त आ रहा था आज उसकी फ़्लाइट डिले हो गई है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।